दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं, और इसके पहले जो हमने यहाँ पर पार्ट अपलोड कर दिया है उसको भी आप देखते चलिए, साथ में UPGK का भी टेस्ट आप लगाते चलिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है। याद रखिए करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है, हम जीके नहीं पढ़ा रहे यहाँ पर, लेकिन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर माघ बिहू को और किस नाम से जानते हैं, राइट ऑप्शन आप हो जाएगा भोगाली बिहू, ठीक है, क्या हो जाएगा भोगाली बिहू, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला है कि किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान की प्रवसत्ता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। याद रखिए संविधान की जो प्रस्तावना है उसको यहाँ पर सरकार है जो कि स्कूल की संविधान की प्रवसत्ता के नाम संविधान की प्रस्तावना पढ़ना स्वीकार कर दिया, अनिवार्य कर दिया है यहाँ पर, वो आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है। स्कूल के शिक्षकों, स्कूल के जितने भी हैं सभी लोगों को यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि प्रस्तावना ही एक संविधान की कुंजी है और संविधान में प्रस्तावना के बारे में जानकारी सभी को होना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अर्थात NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए। तो यहाँ पर 2018 आंकड़ा एक साल बाद ही होता है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो आर्थिक अपराध जो हुए हैं सबसे ज़्यादा वो आपका जो राज्य बना है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 3 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, आप लोग इस समय जो कि कोरोना सीजन में आपको लगभग देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रट गए होंगे अगर न्यूज देखा होगा, तो यहाँ पर KP शर्मा ओली ने जोगबानी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है किस देश के हैं ये, तो ये आपके हैं KP शर्मा ओली कहाँ के हैं, 4 का जवाब आपका ये हो जाएगा नेपाल, बहुत ही चर्चा में रहा है नेपाल, तो आप लोग जरूर जानते होंगे। अगला है किस राज्य ने माई गवर्नमेंट पोर्ट लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला वह 11वां राज्य बन गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, हिमाचल प्रदेश ये है जिसने माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया है और 11वां राज्य आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में कृषि भूमि पट्टे पर देने की नीति लागू की है। देख सकते हैं ये पहला राज्य है जो कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू किया है, और ये आपका जो पहला आपका राज्य बना है, बेहतरीन प्रश्न आपका है, ये उत्तराखंड है, ठीक है उत्तराखंड हो जाएगा पी नंबर उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले राज्य का नाम बताइए जिसने पायलट आधार पर अपने नगर निगम चुनाव 2020 में फेस रिकॉग्निशन ऐप का उपयोग किया है। तो फेस रिकॉग्निशन ऐप का जो उपयोग किया है वो आपका यहाँ पर जो पहला राज्य आपका बना है वो आपका बना है तेलंगाना, ठीक है, सी नंबर तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, IMP क्वेश्चन आपका है, और दामिनी नामक हेल्पलाइन जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, और ये जो सरकार है वो सरकार आपकी है आपकी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जनवरी 2020 से कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रूम के एयर कंडीशनर में तापमान की डिफॉल्ट सेटिंग सुनिश्चित की गई है, अर्थात जो आपके रूम होते हैं वहाँ पर एयर कंडीशनर होते हैं उनका जो तापमान एक लिमिट में सेटिंग करने की आज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 को ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एयर कंडीशन तापमान की डिफॉल्ट सेटिंग आपकी सुनिश्चित कितनी की गई है 24 सेंटीग्रेड। अगला है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए। यहाँ पर देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल, इनके द्वारा है अपने कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए इस ऐप की शुरुआत किया है, और इस ऐप का नाम क्या है,
इस ऐप का नाम है रोजगार संगी। क्या नाम है? रोजगार संगी। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, बेहतरीन प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, देख सकते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ईंधन के संरक्षण में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। तो यहाँ पर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जो ये आपका अभियान था, ये अभियान है, वो अभियान का नाम है सक्षम अभियान। ठीक है, कौन है आपका? सक्षम अभियान। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 के 23वें संस्करण का विषय क्या था? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 के 23वें संस्करण का जो विषय रहा है वो रहा है फिट यूथ फिट इंडिया। 12 का ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा, फिट यूथ फिट इंडिया हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में महिला उद्यमिता के लिए केंद्रीय महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। ये गोवा में महिला उद्यमिता के लिए केंद्रीय महिला आपकी हैं और बाल विकास कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा शुरू की गई योजना का जो नाम है, ये योजना का नाम रखा गया है यशस्वनी। ठीक है, यशस्वनी योजना। ठीक है, यशस्वनी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर अपराध पीड़ितों की मदद के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, गृह मंत्री आपके कौन है? अमित शाह द्वारा की गई भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम क्या है? ये भारत की पहली आपकी साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम है जो रखा गया है, यह आपकी है कौन सी? AASHVAST। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया गया? सबसे बेहतरीन प्रश्न आए और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये भारत का पहला ई कचरा इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक जो आपका स्थापित किया गया है, ये किया गया है आपके भोपाल, जो कि आपके कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत 24 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, यहाँ पर 1024। तो यहाँ पर याद रखिए जो केसेस होते हैं फास्ट ट्रैक में पहुँच जाते हैं, जिसे आपके कई केस ऐसे पहुँचे हैं फास्ट ट्रैक जो निर्णय दे देती है वो आपका निर्णय मान्य होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये योजना का जो नाम है वो आपका रखा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि रायसीना डायलॉग 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 17 नंबर में है, कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो रायसीना डायलॉग 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, क्या है आपका कथन यहाँ पर? तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि इसका आयोजन 14 से 19 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में किया गया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला है इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया, तो ये पॉइंट आपका भाई गलत हो जाएगा। यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये भी आपका गलत है। नहीं, ये आपका सही है, 2016 से ही आपका किया गया है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर आपका जो सही है आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन यहाँ पर आपका किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में एक नया लोगो अपनाया है, इस लोगो में कौन सा फूल दिखाया गया है? एक लोगो है जैसे आपका उत्तर प्रदेश का लोगो होता है ना, और उसी प्रकार से कह सकते हैं आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने लोगो बनाया है और इसमें एक फूल दर्शाया गया है, उस फूल का नाम पूछा है। ये फूल है आपका राइनोकोस्टिलिस रेटुआ। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जनवरी 2020 को अपने फैसले में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना है? अच्छा क्वेश्चन आपका है। और सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2020 को अपने फैसले में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार, अर्थात जो इंटरनेट है यह आपका मूल अधिकार है और इसे मानने का जो है वह अनुच्छेद आपका ए में रखा गया है। ठीक है, 19 का ए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी 12.25 लाख कर्मचारियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है?
तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी कर्मचारी हैं 12.25 लाख कर्मचारी हैं, इनके कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है और ये योजना शुरू करने वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2020 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो 22 जनवरी 2020 को जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो स्थान रहा है वो रहा है आपका 72वां स्थान, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को समाप्त करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। वेरी 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 IMP क्वेश्चन आपका है ये, ठीक है। ये भारत का पहला राज्य है जो कि CAA को समाप्त करने वाला या करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला है आपका, और ये राज्य है आपका कौन सा, तो ये राज्य है आपका केरल है, ठीक है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांगों को दुकानों के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए हैं। तो दुकानों के लिए स्टॉल उपलब्ध कराया है और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए है, और ये जो राज्य सरकार है वो आपकी है कौन, तो आपकी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगला है कि नव गठित केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी कहाँ है। देख सकते हैं दादरा नगर हवेली, दमन और दीव इसकी जो राजधानी है नवगठित केंद्र प्रदेश, तो इसकी राजधानी है वो आपकी है दमन। क्या है याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका दमन। क्या गया है कि COVID-19 महामारी को रोकने के लिए पब्लिक में फेस मास्क अनिवार्य करने वाला पहला शहर कौन सा है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे आपके यहाँ पर प्रश्न है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आप कह सकते हैं शहर बना है ये शहर है, ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर मुंबई, ठीक है। मुंबई शहर है जिसने फेस मास्क अनिवार्य करने वाला पहला शहर आपका बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा किसे सबसे धनी व्यक्ति की उपाधि दी गई है, किसे सबसे धनी व्यक्ति की उपाधि दी गई है, और ये दिया गया है आपके ऑप्शन बी हो जाएगा जेफ बेजोस, ठीक है। जेफ बेजोस को यहाँ पर जो सबसे धनी व्यक्ति की उपाधि दी गई है, ठीक है। अमेजन आपने नाम सुना होगा, अमेजन कंपनी, ठीक है, उन्हीं संबंधित आपके हैं जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है कि COVID-19 के चलते डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्विटर अभियान का फेस किसे बनाया है। तो ट्विटर अभियान का फेस जो बनाया है जो कि डिजिटल लेन देन के लिए, और ये बनाया है आपके ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन को, ठीक है, अमिताभ बच्चन को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्ले सेफ अन प्ले टुडे 2020 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। प्ले सेफ अन प्ले टुडे 2020 किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ पर 30 को ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा आपका बी नंबर विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो किस संगठन के द्वारा, तो विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत G20 समझौते के अंतर्गत किन देशों को गेहूं निर्यात करेगा। भारत G20 समझौतों के अंतर्गत यहाँ पर दे सकते हैं किन देशों को गेहूं निर्यात करेगा, और ये निर्यात करेगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा लेबनान और अफगानिस्तान को, ठीक है, लेबनान और अफगानिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ये पूर्व गवर्नर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहकार के रूप में इन्हें शामिल किया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर 2 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका बी रघुराम राजन को, ठीक है, रघुराम राजन को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सलाहकार के रूप में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि संपर्क ट्रेसिंग तकनीकी विकसित करने के लिए एप्पल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। संपर्क ट्रेसिंग तकनीकी विकसित करने के लिए एप्पल ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, और ये साझेदार किया है आपके गूगल के साथ, ठीक है, गूगल के साथ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि G20 सम्मेलन में ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की, किस देश ने की, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 4 का हो जाएगा आपका सी नंबर आपके सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सियाचिन दिवस भारतीय सेना के निम्नलिखित में से किस अभियान को स्मरण करता है। सियाचिन आपने नाम सुना होगा और ये अभियान जो स्मरण कराता है ये कराता है 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किसने किया है। सप्तपदी का शुभारंभ किसने किया है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस संगठन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोवैक्स विकसित किया है। कोवैक्स विकसित किया है और ये विकसित किया आपके DRDO ने, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, DRDO ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा और यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा 8 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका भारत करेगा। ठीक है, कौन करेगा, आपका भारत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि देखो अपना देश वेबिनार किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देखो अपना देश ये वेबिनार किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर भी हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय ने। ठीक है, किसने, पर्यटन मंत्रालय ने किया है। और अगला क्वेश्चन है कि विश्व नर्सिंग रिपोर्ट 2020 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई। विश्व नर्सिंग रिपोर्ट 2020 किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई, तो 10 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर आपका ए हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यहां पर प्रकाशित की गई है। ठीक है, विश्व नर्सिंग रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि किस मंत्रालय ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए COVID-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 अप्रैल से प्रारंभ किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस मंत्रालय ने, तो ये मंत्रालय है जो कि सार्क देशों के साथ स्वास्थ्य जो कर्मियों हैं, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मी हैं, इनके लिए जो कार्यक्रम आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, आपका 11 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, विदेश मंत्रालय के साथ। ठीक है, विदेश मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने जारी किया है। सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने जारी किया है, यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए नंबर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ए नंबर आपका हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि चित्रा जीन लैंप एन क्या है। चित्रा जीन लैंप एन क्या है, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर 13 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, COVID-19 नैदानिक किट है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, आपकी किट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि WWF इंडिया के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी नंबर, विश्वनाथ आनंद को यहाँ पर कह सकते हैं कि WWF इंडिया के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियल टाइम डाटा प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर सर्वे के लिए SS कोरोना ऐप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डोर टू डोर ये क्वेश्चन आपको मिला था आपकी दिल्ली सरकार ने। ठीक है, किसने, तो आपकी दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर अर्थात कह सकते हैं होम क्वारंटाइन आदि सुविधाएं जो हैं सुविधाएं वो सभी आपकी किसने किया है, तो आपकी दिल्ली सरकार ने किया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि हांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर का नाम क्या है। हांगझोउ 2020 एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर का नाम क्या है, यहाँ पर 16 का जवाब पूछा गया है और 16 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, आपकी फेई फेई। ठीक है, फेई फेई। अगला क्वेश्चन है कि लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न के परिवहन और आवश्यकता के लिए एक परिवहन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने वाले ऐप का नाम बताइए।
एक परिवहन एग्रीगेटर के लिए के रूप में कार्य करने वाले ऐप का नाम पूछा है, और इस ऐप का नाम है किसान रथ ऐप। ठीक है, किसान रथ ऐप, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो ये रहा आपकी करंट अफेयर, देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी करंट अफेयर है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।